शिमला के जुनगा इलाके में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और खूबसूरत वादियों के बीच मानव परिंदे यहां पर उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए एक बार, आपको मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि यहां पर जो पैराग्लाइडर्स हैं वो यहां पर लैंड कर रहे हैं और मानव परिंदे यहां पर, और ये अपने आप में बहुत ही रोमांचक है सभी के लिए क्योंकि यह पहली बार है और जब यहाँ पर शिमला में इस तरह का फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। और देखिए एक्यूरेसी देखिए पैराग्लाइडर की कि किस तरह से बिल्कुल पॉइंट एक्यूरेट पॉइंट पर इन्होंने लैंड किया है। और इसके अलावा आप देखेंगे स्क्रीन पर आपको और भी पैराग्लाइडर्स यहाँ पर नज़र आएंगे और ये अपने आप में बेहद अद्भुत है क्योंकि शिमला में पहली बार इस तरह के फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ शाम है पैराग्लाइडर जो सबसे पहले तिरंगा लेकर यहाँ पर लैंड हुए थे। कैसा अनुभव रहा तिरंगे को हाथ में लेकर उतरना और शिमला में पहली बार इस तरह का फेस्टिवल, कितना रोमांचक है ये? सर काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी प्राउड की बात है कि हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ होते रहें और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिले। अच्छा ये बताइए क्योंकि आपको कितना वक्त हुआ है अभी यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग करते हुए, आपको कितना एक्सपीरियंस है पहले? सर वैसे तो मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा आप ये बताइए कि अब ये शिमला का जो इलाका है ये कितना मुश्किल लगता है क्योंकि शिमला में हमने पहले कभी देखा नहीं इस तरह से पैराग्लाइडिंग होती है, तो क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कितना सेफ़ है शिमला में ये पैराग्लाइडिंग? तो शिमला में तो सेफ़ है क्योंकि हम लोग अदर जगह भी गए तो वहाँ पे भी ठीक था, बट यहाँ पे भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी हम लोगों ने जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस रहा हमारा वो अच्छा ही रहा, तो हमें कुछ गलत लगा नहीं ऐसा, तो हमें ठीक ही लगा। तो हम लोग फ्लाइंग करते तो हमें मज़ा आता है। मैक्सिमम किसी का ड्रीम रहता है कि हमें फ्लाइंग करना है, हम उसका ड्रीम पूरा करवाते तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, उनको तो अच्छा लगता है बट हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा श्याम जी, जब हम ऊपर से चलते हैं, जब हम यहाँ से हमने टेक ऑफ किया और लैंडिंग तक कितना वक्त लग रहा है और कितनी देर तक हवा में रहा जा सकता है इस तरह के मौसम में, उस तरह के टेरेन में? सर ये डिपेंड ऑन विंड करता है, वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर विंड अच्छा रहा तो आप ज़्यादा देर घूम सकते हैं, अगर विंड कम रहा तो आपको जल्दी नीचे आना पड़ेगा क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, एक अकॉर्डिंग टू विंड ही चलता है। अच्छा एक प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और पर्यटकों के साथ जो है कारोबार यहाँ के लोगों का जुड़ा हुआ है, इससे जरिए क्या हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं वो कारोबार के जरिए सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि स्वरोजगार की बात सरकार भी कर रही है, आप मानते हैं कि इस दिशा में भविष्य में आगे बढ़ा जा सकता है? सर बढ़ा जा सकता है क्योंकि जो एक पर्यटन इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, टूरिज़्म को बढ़ावा होगा और मैक्सिमम लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं हमारे, तो अगर ऐसा गतिविधियाँ चलती रहेंगी तो टूरिज़्म को बढ़ावा होगा और जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको भी फायदा रहेगा। चलिए शुक्रिया आप श्याम जी, आपने समय दिया। वेलकम सर। तो पैराग्लाइडर श्याम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री देखेंगे आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर विशेष तौर पर पहुँचे हुए हैं। 4 दिन तक ये फेस्टिवल चलने वाला है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर पैराग्लाइडर्स नज़र आएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर कितना रोमांचक है, खूबसूरत पहाड़ियों के बीच यहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है और अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं। और जो आपको ठीक यहाँ पर ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पर आपको लैंड करना है और ये जो प्रतियोगिता है ये एक्यूरेसी पर ही निर्भर करती है कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा आपकी लैंडिंग के दौरान रहती है, तो यहाँ पर उस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। और हमने देखा कि अभी जो इससे पहले पैराग्लाइडर लैंड हुए उनकी बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर लैंडिंग हुई थी और अब ये जो पैराग्लाइडर आ रहे हैं इनकी भी ये कोशिश है कि ये जो यहाँ पर मार्क किया गया है पॉइंट यहाँ पर लैंडिंग हो और अभी भी ये नज़र आ रहा है कि ये एक्यूरेट पॉइंट पर ही लैंड करने वाले हैं और एक्यूरेसी कितनी रहेगी ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल रहता है। देखिए ये लैंडिंग हो रही है और ऑलमोस्ट एक्यूरेट पॉइंट, ये बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है और इन्होंने भी एक्यूरेट पॉइंट पर लैंड किया है। और जुनगा के इलाके के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है, 6.7% हिस्सा GDP का पर्यटन कारोबार में आता है और इस तरह की गतिविधियों को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्वरोजगार की बात करें या फिर पर्यटन को बढ़ाने की बात करें तो ये शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और बीते दिनों जो आपदा की वजह से हिमाचल में पर्यटन कारोबार डिरेल हुआ था वो पटरी पर लौटता हुआ भी नज़र आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।